जय माता जी। आप सभी को सादर नमन। आज जो है कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, इसमें भय जो है काफ़ी लोगों के अंदर जो है हो रहा है कि इस महामारी से क्या होगा। इस भय से तमाम तरह की समस्याएं जो है आपके सामने उत्पन्न हो रही हैं। भय से आपके अंदर किस तरह के भाव आ रहे हैं? देखिए, भय की परिभाषा क्या है, मैं भय का परिचय आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भय क्या है। भय व्यक्ति की मूल वृत्ति है। भय जो है व्यक्ति की मूल जो है वृत्ति है, क्योंकि भय हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। भय की अधिकता, एवं भय की रिक्तता हमारे लिए जो है घातक है। इसलिए इसमें जो है संतुलन होना नितांत आवश्यक है। इस काम को संतुलन बनाना चाहिए। देखिए, यह एक ऐसी भौतिक जो है स्थिति है। भय क्या है, भय के संबंध में बता रहा हूँ कि भय क्या है। यह एक ऐसी भौतिक स्थिति है जिसमें किसी की क्षति होने की संभावना उत्पन्न होती है। भय से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, भय से तमाम तरह की शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, काफ़ी व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो उत्पन्न होती है उसे बचाव करने का प्रयास जो है व्यक्ति करता है कि हम किस तरह से इस भय से अपना बचाव करें। तो हम जो है जब भय विशेष वस्तु या स्थिति से अकारण बना रहता है, जैसे अकारण व्यक्ति जो है सोचता है ये हो जाएगा, इस तरह कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई समस्या ना हमारे आ जाए, तमाम तरह का भय। आज जो कोविड-19 का महामारी चल रहा है, इसमें भय होना, कहीं हमें खांसी तो नहीं होगी, कहीं हमारा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया, कहीं हमारे श्वास में दिक्कत तो नहीं है, कहीं हमारे तमाम तरह की मन में विकृति उत्पन्न होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है शरीर के अंदर। जब भय विशेष वस्तु या स्थिति से अकारण बना रहता है, अकारण जब बनाते हैं तो इसे फोबिया कहते हैं। अकारण कोई भी भय बना है तो उसको क्या कहेंगे, फोबिया। और जो है फोबिया जो है, फोबिया के संबंध में बतलाना चाहता हूँ कि फोबिया ये फोकस शब्द से बना है, कि जिस चीज पर फोकस देते हैं फोकस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अति भय की स्थिति से होना। अति भय यदि आपके अंदर स्थिति हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, फोबिया। तो इससे कैसे जो है हम इसके, तो भय का कारण क्या है, देखिए हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज के समय में जो इस महामारी में चल रहा है इसमें तमाम तरह की भय उत्पन्न हो जाती है। इसके पहले भी जो भय व्यक्ति किसी चीज़ से दबित हो सकता है, भय उसके अंदर उत्पन्न हो सकता है, तो लेकिन आज इस महामारी में तो काफ़ी भयभीत है लोग, इससे काफ़ी दिक्कतें जो उत्पन्न, काफ़ी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, काफ़ी लोग परेशानियाँ हो रही हैं। तो भय का कारण क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जो है भय क्यों होता है, भय के कारण क्या है, ये मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। तो पहला है परानुकंपी तंत्र की अधिक सक्रियता। क्या है, परानुकंपी जो है तंत्र की अधिक सक्रियता। दूसरा है आशाता वेदनीय कर्म का उदय। तीसरा है आकस्मिक बाह्य परिस्थितियां, आकस्मिक कोई परिस्थिति ऐसी बन गई जिसके कारण जो है भय उत्पन्न हो गया, एकाएक जो है मन में वो बैठ गया। और चौथा है लोक प्रचलित जो है कुरूढ़ियाँ, लोगों ने कहा ऐसा कर देना है तो ये हो जाता है, ऐसा हो गया तो ये घटना हो सकती है, तमाम तरह के भय उत्पन्न कर दे। जैसे रास्ते में गए, क्या बिल्ली रास्ता काट दी, आपके तो घटना हो जाएगा, आपने स्वप्न ये देखा, अच्छा आपके तो कोई घटना होने वाली है, ये क्या है, लोक प्रचलित जो है कुरूढ़ियाँ। पांचवा जो है असुरक्षा की भावना। व्यक्ति आज जो है इस महामारी में अपने को असुरक्षा महसूस कर रहा है, हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि WHO ने देखे कहा है कि ये हवा में भी उड़ करके जो है इसके बैक्टीरिया जो है इसके आ रहे हैं, जो इस आपके शरीर में जा सकते हैं।
बाल पर बैठ जाएंगे, उड़ के हवा में जाएंगे, तो भैया आपको उससे भी हो सकता है। तो ये असुरक्षा की भावना, ये पांचवा है। छठवा है डरावने दृश्य वह फिल्में देखना। डरावना कोई हमने दृश्य देख लिया, दिमाग में बैठ गया, इस तरह की भाव जो है आ गया जो है, इस तरह की भावना यदि हमारे अंदर मान लीजिए आ गया जो है, तो इस तरह की यदि भावना परिस्थितियां बनती हैं जो है, तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो व्यक्ति को जो है क्या क्या स्थिति होती है, तो क्या क्या उसको मन में आता है, किस तरह के जो है भय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें आपके चार जो है स्थितियां जो है इस तरह की बनती हैं। जो चार स्थितियों के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि भय के लक्षण क्या है, आपके भय के लक्षण क्या है। पहले कमजोरी का अनुभव करना, व्यक्ति जब भय होता है तो कमजोरी का अनुभव करता है। दूसरा है चेहरे पर उदासी झलकना, व्यक्ति जो है क्या होता है, चेहरे पर हमेशा उसकी उदासी जो है छाई रहेगी, वो भय से जो है मन में जो है तमाम तरह की चीजें जो है अंदर वो सोचेगा। तीसरा है अंधेरे से कतराना, उसको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से क्या होगा, कतराएगा। अंधेरा जब शाम को हो जाता है या एकाएक बारिश मौसम है, अंधेरा हो गया तो उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। रात को जो है क्या होगा, जैसे अंधेरा होगा तो अंधेरे में उसको परेशानियां होने लगती है, तो इस तरह के व्यक्ति जो है अंधेरे से कतराना, ये तीसरा है। चौथा क्या है, मांसपेशियों में सिकुड़न, जो मांसपेशियां हैं शरीर की वो सिकुड़ने लगती है, सेल धीरे धीरे उसमें जो है क्या है, भय से हमेशा क्या होता है, हमारी आर्टरीज जो है अच्छी तरह से जो नहीं चल पाती है, श्वसन क्रिया सही से नहीं हो पाती है, हमेशा भय से जो है चिंताग्रसित व्यक्ति रहता है, तो इन परिस्थितियों में जो है उसकी मांसपेशियां जो है सिकुड़ने लगती है। अब जो है हम ये बताएंगे आपको कि इसके परिणाम जो है, इसके परिणाम क्या, देखिए जैसे हम इस पे आपको ले चलते हैं कि इन भय को दूर करने के लिए हम जो है कौन से आसन कर सकते हैं, प्राणायाम क्या करेंगे और प्रच्छद चिकित्सा इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मंत्र क्या है, इसके लिए मुद्रा क्या है, ये हम आप लोगों को बतला रहे हैं। तो देखिए प्रच्छद चिकित्सा में हम चलते हैं, तो प्रच्छद चिकित्सा जो है मैं बतलाता हूँ कि प्रच्छद चिकित्सा किस तरह से, तो प्रच्छद चिकित्सा में जो है आसन जो हम करेंगे, महावीर आसन, महावीर आसन कैसे करेंगे, तो ऐसे कर लिया हमने जो है, आपको एक मैं बता भी देता हूँ महावीर आसन कैसे करें, ये जो श्वास को भरेंगे और इसको हाथ से जो है श्वास के साथ जो है जब श्वास को रोकेंगे तो इसको बल के साथ देंगे और सुना जो है वायु इसमें फेफड़े में भरेंगे, तो ये आपका जो है महावीर आसन। पद्मासन देखिए, जो मैं बैठा हूँ ये पद्मासन आपका जो पद्मासन हो गया, पद्मासन। और तीसरा जो है शशांक आसन, शशांक आसन खरगोश जो है किस तरह से जो है आसन करता है, तो क्या करेंगे इसके लिए, खरगोश आसन यदि आपको करना है तो क्या करेंगे, सीधे इस तरह से पैर पे ये बैठ जाते हैं और ये करके और दोनों हाथों को करके जो है क्या करेंगे, दोनों हाथ आपको इस तरह से बैठ गए पैर मोड़ करके वज्रासन में और दोनों को यह करके ये हो गया आपका शशांक आसन, इस तरह से पैर करके देखिए ये जो है हाथ को दोनों हथेलियों को इस तरह से करके आगे लगा देते हैं, ये आपका शशांक आसन हो गया। तीन आसन मैंने बतलाया कि यदि भय आपके अंदर उत्पन्न हो रहा हो तो इसको दूर करने के लिए, इसको सही करने के लिए तीन आसन, एक तो महावीर आसन, दूसरा है पद्मासन और तीसरा है शशांक आसन, ये तीन आसन हम करते हैं। प्राणायाम में जो है अब चलते हैं हम कि प्राणायाम में क्या करेंगे, तो दीर्घ श्वास, लंबी श्वास खींचना और छोड़ना, लंबी श्वास खींचना और छोड़ना ये करेंगे, और कुंभक भी करेंगे, कुंभक भी जो प्रणाम करेंगे, अंत कुंभक बाह्य कुंभक, अंदर श्वास को रोक देना बाहर श्वास को रोक देना, ये कुंभक आप, तो श्वास का कुंभक भी करेंगे। जैसे क्या करेंगे, तो
आपका दीर्घ श्वास लेना, और कुंभक कैसे हो गया, इसी में दीर्घ श्वास लेना उसको कुंभक कर रहा, अंदर बाहर बाय कुंभक, ये कुंभक करें हमने, ये क्रिया कम से कम आप जो 10 बार करें इसमें जो है करते हैं। उसके बाद आपको जो है मैं परीक्षा में बताता हूं कि परीक्षा में क्या करेंगे, तो आप ध्यान से बैठ जाएं और सूर्य का ध्यान करें, आप बैगनी बैगनी रंग में ध्यान करें कि आकाश में बैगनी रंग एकदम जो है सूर्य हमारा बैगनी, पूरा आसमान हमारा बैगनी रंग दिख रहा है और सूर्य की किरणें भी बैगनी में है, अनुभव करें महसूस करें एकदम जो है, इससे आपका भय दूर होने लगेगा, निश्चित ही दूर होगा। और जो है उसके बाद मंत्र जो है, मंत्र में हम ओम का उच्चारण जो है, ओम का उच्चारण कम से कम 10 बार आपको ओम का उच्चारण, श्वास बढ़ते हुए ओ उच्चारण 10 बार करेंगे। और जो है मुद्रा, अभय मुद्रा आपकी, या आप जो है इस मुद्रा में भी आप बैठ सकते हैं, ये भी स्वास्थ्य मुद्रा आपकी एक तरह से, नाम क्या और अंगठा पे आप बैठ सकते हैं। तो ये मैंने बताया आज आपको जो है भय, भय की स्थिति को किस तरह से जो है देखिए हम दूर कर सकते हैं। भय जो है इस कोरोना महामारी में आपको डरने की जरूरत नहीं है, भय कंपित नहीं होना है, भय को दम निकाल करके फेंक दीजिए, डरिए नहीं, बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप, और एक दूसरे को भी बताएं कि डरने की जरूरत नहीं है, अपना बचाव, अपनी सुरक्षा, दूसरों की रक्षा, अपनी सुरक्षा जो हमारी होगी वही दूसरे की रक्षा होगी। मास्क का प्रयोग करें लेकिन घर के बाहर कर, घर में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कोई व्यक्ति से मिल रहा आप घर से बाहर निकल रहे हैं तुरंत मास्क लगाएं, निश्चित जो है, क्योंकि देखिए मास्क भी बहुत ज़्यादा हमेशा यूज करना आपके लिए घातक है, मास्क लगाने से ऑक्सीजन आप पूर्ति जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन जो जाता है वो नहीं पूर्ण रूप से जा पा रहा है, जिससे क्या होगा सेल डैमेज होगा, इसलिए ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी सुरक्षा, दूसरों की रक्षा। जय हिंद। मैं आचार्य योगाचार्य बब्बन तिवारी, मेरा मोबाइल नंबर है, यदि आप लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि कोई भी व्यक्ति आप जो है योगा से संबंधित, परीक्षा ध्यान से संबंधित, किसी आपके शरीर में कोई भी असाध्य रोग है उसको दूर करने के लिए यदि आपको ये चाहते हैं कि परामर्श हमसे लेना, तो निःशुल्क परामर्श में आपको बता सकता हूँ। मैं योगाचार्य आचार्य बब्बन तिवारी आप लोगों की सेवा में, मेरा मोबाइल नंबर है 9451581316। जय हिंद, जय भारत माता की जय। आप सभी लोगों को सादर नमन, जय हिंद।